2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजा ऐसा आया कि विपक्षी खेमे में मानो हड़कंप मच गया। नतीजे आने से पहले बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू ने सबको साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और कांग्रेस के आला नेता लोगों को साथ जोड़ने में लग गए थे। लेकिन नतीजा जो आया उससे विपक्षी खेमे में मानो मातम छा गया। लेकिन कई मायनों में इस बार का चुनाव खास रहा, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से हिंदुत्व एजेंडे के साथ चलने वाली पार्टी समझी जाती रही और बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर कई बार अपने प्रतिनिधि को संसद तक भेजा है। लेकिन इस बार के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा गायब था। बीजेपी को समय रहते ही पता चल गया था कि राम मंदिर मुद्दा उन्हें इस चुनाव में भारी पढ़ने वाला है। राम मंदिर पर कई बड़े वादे 2014 में किए गए थे, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर ना तो कुछ कर पाई और ना ही जनता के बीच जाकर कोई आश्वासन दे पाई। इस स्थिति में अगर बीजेपी वापस राम मंदिर का राग लापती तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि इस मुद्दे पर लोगों को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर मुद्दा जोरों पर उठाया गया। एक तरफ आरएसएस, विहिप और बजरंग दल, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का दबाव। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौका देखकर राम मंदिर मुद्दे को ही दरकिनार कर दिया और पूरे चुनाव के दौरान ये मुद्दा गायब रहा। राम मंदिर मुद्दे से नरेंद्र मोदी कैसे कन्नी काटते रहे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मोदी अम्बेडकर नगर रैली को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन अयोध्या से महज 25 किलोमीटर दूर रामनगरी अयोध्या नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी बड़े चतुराई के साथ हिंदुत्व और गाय जैसे मुद्दों को इस चुनाव में दूर रखने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई दर्जनों जनसभाओं में भी उन्होंने कहीं भी अयोध्या या राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया। एक जनसभा में उन्होंने ये कहकर एक तरफ राम मंदिर को पार्टी की प्राथमिकताओं से ही लगभग खारिज कर दिया कि पहले शौचालय फिर देवालय। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि नरेंद्र मोदी को विकास का चेहरा बनाकर पेश किया गया और वहीं योगी आदित्यनाथ को जमकर हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिला। अली बजरंग बली से लेकर हिंदू मुसलमान तक योगी ने हर हथकंडे अपनाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने अपने विकास पुरुष वाले छवि को बरकरार रखा और सीधा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला।